नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की इस खास पेशकश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और आप देख रहे हैं सप्ताह का सबसे चर्चित शो खबर में दम है। पंछी नदियां और पवन के झोंके की तरह प्यार को भी कोई सरहद नहीं रोक सकती है। अपने प्यार को पाने के लिए फिर सरहद पार करके एक लड़की भारत आई है। देश में अग्निवीर पर जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने बड़ी स्ट्राइक की है, खबर आज ये भी दिखाएंगे आपको। और एक खबर उन पुलिस अफसरों की भी जो कल तक नायक थे लेकिन अदालत के फैसले ने उनकी साख पर सवाल उठा दिए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आइए शुरू करते हैं खबर में दम। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बने। प्यार के लिए सरहद पार करके आई सीमा हैदर का मामला शांत नहीं हुआ। उससे पहले एक और अपने प्यार के लिए पाकिस्तान से सरहद पार करके भारत आई हैं। इस बार पाकिस्तानी महिला राजस्थान के चुरू जिले में आई हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक मशहूर शेर है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश को प्यार की कशिश हिंदुस्तान तक ले आई। दो बच्चों की मां महविश चूरू के पीतीसर गांव के रहमान को दिल दे बैठी। पहले फोन पर प्यार हुआ और साल 2022 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे से निकाह कर लिया। रहमान भी दो बच्चों का पिता है लेकिन पत्नी से अनबन के चलते दोनों अलग रहते हैं। महविश के ससुराल वाले उसे वाघा बॉर्डर से लेकर रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान के दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेजों की जांच की जा रही है। हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है। तो 2023 में मैं उमरे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिली भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदी बताया, सऊदी उम्र पे गई हूँ, एक महीने के लिए गई थी उनके पास रही हूँ। एक महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? वाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा मेरा। बकौल महविश, वो जब 2 साल की थी तब उसकी माँ चल बसी, वो जब 12 साल की हुई तब पिता का इंतकाल हो गया। 10 साल से ब्यूटी पार्लर में काम कर गुजारा कर रही थी। साल 2006 में खुर्रम शहजाद नाम के शख्स से शादी हुई, जिससे 12 और 7 साल के 2 बच्चे हैं। महविश की माँ ने तो साल 2018 में पति से तलाक होने के बाद वो बिल्कुल अकेली रह गई, और फिर उसकी जिंदगी में रहमान की एंट्री हुई। साल 2020 में IMO पर दोनों की जान पहचान हुई, दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बात करने लगे, और फिर एक दिन दोनों ने फोन पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कर लिया। हालांकि न्यूज 18 के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। पासपोर्ट और वीजा है, रूसी वीजे पर आई है, 45 दिन का वीजा। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे, और 24 घंटे में क्योंकि आप थाने पर वो यदि मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है, किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। महविश की जिंदगी के खालीपन को रहमान ने भरने का काम किया, और रहमान की तन्हाइयों में महविश सरगम बनकर आई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। महविश की माने तो अपने बहन और बहनों से बातचीत कर उसने रहमान को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसके 3 दिन बाद साल 2022 में महविश ने रहमान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शादी कर ली। फिलहाल रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा है। साल 2023 में महविश उमरा गई, जहां रहमान भी पहुंच गया और दोनों ने मक्का में निकाह किया। महविश नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है, और ये भी शादीशुदा, और रहमान भी शादीशुदा है, और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था, उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में, और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में
भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से बाघा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं। तस्दीक के बाद हम गांव लेके जाएंगे। पीतीसर का रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसका छोटा भाई सलीम गांव में ही रहता है, जबकि पिता अली शेर खेती करते हैं। रहमान की शादी साल 2011 में भादरा के फरीदा के साथ हुई। रहमान के दो बच्चे हैं। शादी के बाद रहमान की अपनी पत्नी से अनबन हो गई। फिलहाल फरीदा अपने पीहर भादरा में रह रही है। परिवार को भी इस निकाह का पता साल 2023 में चला, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की। बहरहाल महविश 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर भारत आई। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे निजी वाहन से लेकर रवाना हुए और फिर सरदार शहर में एक रात रुककर उसे गांव पीतीसर ले आए। लेकिन वो जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर है, लोगों के मन में कई सवाल। सवाल ये है कि आखिर महविश दो बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों? दूसरा ये कि जब उसका पति कुवैत में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी? महविश के भी दो बच्चे हैं, वो किसके पास? न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। और अब राजस्थान में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। और इसे लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने गृह विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है। और इस तरह अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत इंडिया ब्लॉक अग्निवीर को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर हमलावर रहा है। राजस्थान सरकार अग्निवीरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया। सरकार प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देगी। सीएम भजन लाल ने कहा, कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। देश के 26 जुलाई को राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अग्निवीरों को राज्य सरकार की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। दो साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला पहले कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में, इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है।
छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। सरकार ने 2022 में लॉन्च की अग्निवीर स्कीम। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है, साथ ही कम से कम 10वीं पास होना भी जरूरी है। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा, बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे बंद करने की मांग की है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में सरकारें अग्निवीरों को आरक्षण देने का काम कर रही है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार अग्निवीर स्कीम के अपने फैसले पर अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और अब कुछ राजनीतिक बात करते हैं। बीजेपी ने राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। पार्टी ने सीपी जोशी की जगह राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश संगठन की कमान सौंप दी है। बीजेपी ने जिस तरह से 7 महीने पहले सत्ता में आने के बाद नए नवेले चेहरे और पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाकर चौंकाया था, ठीक उसी तरह से अब प्रदेश अध्यक्ष के मामले में भी किया गया है। राठौड़ साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो काम करेगा वो मदन जी राठौड़ के नेतृत्व में पूरा होगा। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी में बड़ा बदलाव। निश्चित रूप से उनके बनने से कार्यकर्ताओं में एक नए ऊर्जा और ऊर्जा का संचार होगा। मदन राठौड़ को मिली प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल बने प्रदेश प्रभारी। प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने संगठनात्मक फेर बदल कर जीत की तैयारी के संकेत दिए हैं। गुरुवार को सीपी जोशी ने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे स्वीकार करते हुए राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। ऐसे उत्साह जैसी कोई बात नहीं है, हम तो सिपाही हैं, तो पार्टी सिपाही को जिस मोर्चे पे भेजेगी वहाँ पार्टी का दायित्व तो निभाना है, सिपाही का दायित्व तो निभाएंगे हम और सबको साथ लेकर के, सबके साथ बैठ करके, चर्चा करके, सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय करके और पार्टी को सक्षम करेंगे। ओबीसी वर्ग से आने वाले मदन राठौर पिछली बीजेपी सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक बनाए गए थे। राठौर के सामने पहली चुनौती प्रदेश में होने वाले उपचुनाव है, दूसरी सत्ता और संगठन के बीच समन्वय बनाना है। सत्ता अभी है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की और सत्ता और संगठन के बीच सामंजस्य बैठाना एक बड़ी चुनौती होगी, उसको पार पाने के लिए किस प्रकार की तैयारियां रहेगी? निश्चित रूप से ये बात सही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो सबके साथ बैठ करके, और मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया कि हम सामूहिक निर्णय करेंगे, सबके साथ बैठ करके, चर्चा करके और समन्वय स्थापित करके और निर्णय करेंगे, और निश्चित रूप से सबका पूरा सहयोग मिलेगा। जो कुछ भी पार्टी ने हमको दिया है, पार्टी हमसे जो अपेक्षाएं करती है उसको हम पूरा करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है मदन राठौर। मदन राठौर दिग्गज ओबीसी नेता है, वर्तमान में राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं, पाली की सुमेरपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं,
वसुंधरा सरकार में सरकारी उप मुख्य सचेतक रह चुके हैं। आरएसएस प्रचारक से राजनीति में आए थे। प्रदेश ही नहीं, देश में भी जब संगठन का कोई काम था, चुनाव थे, तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीना तक उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार और प्रसार किया, और जब कभी पार्टी ने मौका नहीं दिया तब भी कभी विमुख नहीं हुए, और पार्टी ने उनको राज्यसभा के माननीय सदस्य भी मनोनीत किया, और आज राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक वरिष्ठ नेता जिनका एक लंबा अनुभव है राजनीति का, उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में मदन राठौर सबसे आगे थे, इसके पीछे भी कई वजह थी। मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की खास वजह, उन्हें राजनीति और संगठन का लंबा अनुभव है। उनकी नियुक्ति से मारवाड़ को प्रतिनिधित्व मिला है। सांसद मदन राठौर मूल रूप से ओबीसी से हैं। पांचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल जीती हुई नहीं, और अब उपचुनाव है तो ये उम्मीद रहेगी कि वहां विजयश्री हासिल हो, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप बनाएंगे? देखिए, पिछली बार छोटी मोटी कोई भी भूल हुई होगी तो हम बैठ करके उसका समाधान भी कर लेंगे, और समन्वय से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। साथ में बैठ करके निर्णय करेंगे। पूरी पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी। पहले के अध्यक्ष जी ने भी बहुत अच्छे काम किए, और वो भी हमारा पूरा साथ देंगे, पूरी ताकत के साथ, सभी नेतृत्व के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर के राय मशविरा करके ही कोई निर्णय लेंगे। उपचुनाव से पहले संगठनात्मक तौर पर पार्टी को मजबूत करने वाली बीजेपी ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल को राजस्थान भाजपा का नया प्रभारी नियुक्त किया है। राधा मोहन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। गोरखपुर से चार बार विधायक रह चुके हैं। बीएचयू के असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। MBBS MD भी हैं राधा मोहन दास अग्रवाल। हरियाणा की तरह अब राजस्थान में भी बीजेपी जाटों से दूर होती जा रही है, या फिर यूं कहें कि बीजेपी को जाटों की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए तो शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में भाजपा का पूरी तरह से सूपड़ा साफ ही हो गया। ऐसे में अब भाजपा नई रणनीति को अपनाते हुए जो OBC वोट बैंक है उस पर नजर बना रही है। राजस्थान में जातिगत समीकरण को अगर देखें तो CM और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जिन नए चेहरों को तवज्जो दी गई है वहां पर जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई है। वहीं पर अगर राजस्थान में पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को बराबर तवज्जो देते हुए पार्टी ने न सिर्फ जातिगत समीकरण बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को साधने का भी पूरा प्रयास किया है। मदन राठौर को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी नेताओं में गजब का उत्साह है। अब उनके सामने उपचुनाव में जीत और संगठन में समन्वय बनाने की जिम्मेदारी होगी। अब देखना होगा कि उपचुनाव से पहले बीजेपी ने जो बदलाव किया है उसका फायदा पार्टी को मिलता है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। बहुचर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर के करीब 7 साल बाद जोधपुर ACJM CBI कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों पर धारा 302 यानी हत्या के तहत केस चलाया जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतने साल बाद कोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट में वो कौन सी खामियां नजर आई जिसके चलते से खारिज कर दिया गया। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस में पुलिस को झटका। ACJM CBI कोर्ट का बड़ा फैसला। आरोपी पुलिस वालों पर हत्या के तहत केस चलाने का निर्देश। June 24, 2017 राजस्थान के चुरू में पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गैंगस्टर आनंदपाल का एनकाउंटर किया। आनंदपाल
रामपाल सिंह, राजस्थान की अपराध की दुनिया का वो खौफनाक चेहरा जो नागौर तहसील की लाडनू गांव के एक छोटे से गांव का रहने वाला था, मगर जीवन राम गोदारा हत्याकांड के बाद में उसका नाम सबसे पहले सामने आया। इसके बाद में आनंद पाल सिंह के खिलाफ दो दर्जन से ज्यादा मामले, हत्या, लूट और गैंगवार जैसे मामले दर्ज हुए। लगातार पुलिस को उसकी तलाश थी और 24 जून 2017 को राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने आनंद पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद में हुआ आनंद पाल सिंह का फेक एनकाउंटर। लंबे वक्त तक गैंगस्टर आनंद पाल का परिवार इंसाफ के लिए कोर्ट के चक्कर लगाता रहा। मामले की सुनवाई तब से जोधपुर की सीबीआई कोर्ट में चल रही थी, लेकिन बुधवार को कोर्ट के फैसले ने गैंगस्टर आनंद पाल के परिवार को जहां बड़ी राहत दी, वहीं पुलिस के लिए कोर्ट का फैसला किसी झटके से कम नहीं है। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने रिपोर्ट पर कई सवाल भी खड़े किए। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश चौधरी, डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौर और आरएसी हेड कांस्टेबल समेत 5 पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के आदेश दिए हैं। आनंद पाल हत्याकांड में जो विषय है वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा ये तय किया गया है और निश्चित रूप से बड़ा ही निष्पक्ष और जो भी न्याय होगा वो सीबीआई कोर्ट के द्वारा होगा और उसको सीबीआई कोर्ट जो भी तय करेगी वो मुकदमा आगे जाकर चलेगा। परिवार एनकाउंटर पर शुरू से ही सवाल खड़े कर रहा था। अब कोर्ट ने भी सीबीआई की कई दलीलों को शक की नजर से देखा है। दलील नंबर 1, तत्कालीन सीओ कुचामन विद्या प्रकाश ने शीशे में देखकर सीढ़ियों से आनंद पाल को गोली मारने की बात कही, लेकिन उनके बुलेट्स के खोखे छत पर मिले। इतना ही नहीं, किसी भी गवाह ने विद्या प्रकाश के सीढ़ियों पर होने की बात नहीं कबूली। दलील नंबर 2, दलील में कहा गया कि गोली लगने के बाद आनंद पाल सीढ़ियों पर सामने की तरफ गिरा। ऐसे में पुलिस की फायरिंग के बाद बुलेट्स के खोखे छत पर कैसे मिले? दलील नंबर 3, कांस्टेबल सोहन सिंह के बयानों में भी विरोधाभास है। सीबीआई जांच में सोहन सिंह ने कहा था कि उसने आनंद पाल के बर्स्ट फायर के जवाब में उस पर फायरिंग की थी, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि आनंद पाल की गोली दीवार से टकराकर उसकी पीठ पर लगी थी। दलील नंबर 4, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आनंद पाल के शरीर पर टैटूइंग पाई गई। शरीर के 2 से 6 फीट की दूरी से फायर करने पर ही होती है टैटूइंग। कोर्ट ने आनंद पाल के एनकाउंटर को पूरी तरह गलत ठहराया है और आरोपी तत्कालीन पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस चलाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन सीबीआई की जिन दलीलों पर कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं वो वाकई अहम है। जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर की रिपोर्ट। खबर में दम है, मैं आज फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।